बता रहा हूँ मैं, डीसी पानी भरू कार्ड दिखाओ मैं अपना, अब कार्ड भी दिखाओ। क्या नाम आपका? ममता। ममता सस्पेंड चार्जशीट बच्ची है, बच्चे हो पक्के हो? इसको आगे वाले आप क्या करते हैं? क्या काम करते पीछे मेरे पता है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी मेरा आधार कार्ड चेंज करा, मेरा आधार कार्ड आप ही बैठोगे अब आप आपकी चढ़ जाओ। मेरा आधार कार्ड अपडेशन करो 126 नंबर की बजाय एड्रेस लिखो यहाँ का। सरकार का ऑर्डर दिखाऊंगा इसलिए प्रूफ पूछा, वैसे मैं प्रूफ बता रहा हूँ, मैं डीसी पानी भर दूँ, कार्ड दिखाऊंगा अपना, कार्ड भी दिखाओ। क्या नाम आपका? ममता। ममता सस्पेंड चार्जशीट अच्छी है, बच्चे हो पक्के हो? इसको आगे वाले शिशु पड़ती है, इसको ये नहीं पता किसी होने के बाद ये दमी बैठी आम आदमी से कैसे नहीं करो, इसको अभी अभी निकालो तो आधार पे उसने मेरे से कहा था कि जी आधार का मैंने नहीं बताया आधार का, तो उसने कहा है जी आधार कार्ड दो मैं नाम एड्रेस चेंज कर लेती हूँ। आधार कार्ड दे दिया, उसने कहा है जी अपना प्रूफ दे दो, मैंने अपना रेजिडेंस का प्रूफ दे दिया यहाँ का डिप्टी कमिश्नर। उसके बाद भी उसको ये वो आउटसोर्सिंग पे थी, मीना नाम है उसका, उसको बाहर करो है ममता, उसको बाहर करो नौकरी से। ऐसे एरोगेंट कच्चे कर्मचारी पक्के भी नहीं चाहिए मेरे को, कच्चे तो चाहिए ही नहीं। आप एचकेएन से लो और एचकेएन से 50 मांगो, उनमें से 10 की सिक्योरिटी करके बड़ी आदमी जो पब्लिक फ्रेंडली हो उनको लगाओ। मतलब आप पहचान पत्र देने के बाद भी पहचान नहीं पाई? नहीं पहचानने की बात नहीं, उसके बाद भी शी वॉज नॉट एबल टू चेंज इट, और उसकी एरोगेंस इतनी थी कि इतनी तो एरोगेंस मैंने लाइफ में कभी लोगों को देखी। कभी दोबारा आ सकते हैं जी कभी भी यहाँ पर जो आप लोगों ने चौरस किया है एक हफ्ते में? क्यों मेरे को किसी ने मना किया है? नहीं कभी भी मतलब हाँ? एक हफ्ते का टाइम दिया जाए? नहीं नहीं एक हफ्ते में तो ठीक है, एक हफ्ते बाद आ जाऊंगा फिर। अभी इन्होंने एक हफ्ते का टाइम दिया कि दोनों ऑफिस ठीक कर लेंगे, तो एक हफ्ते में मेरे को मना ही थोड़ी ना, मैं 8 दिन बाद फिर आ जाऊंगा। सर जो कल मीटिंग ली है उसमें जो पेपर में भी आया है कि अधिकारी नहीं पहुंचे, मतलब है नहीं बुलाने के बाद भी? बुलाने के बाद अब ये ऐसा है वो मैं चेक करा रहा हूँ कि क्यों नहीं आए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी होगी। काम इनका है, पशु मैं इनके भेज रहा हूँ म्यूनिसिपल, अभी भी आवारा पशु घूम रहे आप तो उनको उठवाओ यहाँ से। जब वो नैन वाले नैन गौशाला वालों ने कह दिया जी ले लेंगे, मैं टूटा दिलवा रहा हूँ उनको सारे उनका करा। आप अभी भी मैं रोड पर आ रहा था, रोड पर क्यों दिख रहे हैं? जीटी रोड पर तो ना दिखे नहीं, जीटी रोड के तो उठवाओ सबसे पहले। मैं कल रेबीज के इंजेक्शन लगवा रहा हूँ और आपसे नहीं वो उससे लगवा रहा हूँ, मतलब सारे काम प्रशासन में डीसी को नहीं करने होते, नगर निगम का भी काम है, हर एक डिपार्टमेंट का काम है। अब वो डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री कल से, कल वेटरनरी डे है, अंतर्राष्ट्रीय वेटरनरी डे है, कल से हम रेबीज के इंजेक्शन पार्कों में जितने भी कुत्ते हैं स्टे डॉग्स हैं उन पे रेबीज के इंजेक्शन लगाएंगे, ताकि कोई ये तो ना हो कि जिसको काटे तो बंदे को जाना पड़े 3 इंजेक्शन लगवाने के। पूरी तनख्वाह देती है, फैसिलिटीज दे रखी है उसने, तो मेरा काम है सरकार के प्रति जवाबदेही। जवाबदेही में ये है कि डीसी का 9 से 5 की ड्यूटी नहीं होती, ही इज 24 आवर्स एंड 7 डेज 1 मंथ, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द डीसी। उसको रात को भी आप उठा सकते हो, कहीं कोई इंसिडेंट हो जाती है, कोई जाती है हो रही है किसी के साथ, वो फोन कर सकता है, मैसेज छोड़ सकता है। अभी जल्दी हमारी सुविधा शुरू हो जाएगी जिसमें हम कंप्लेंट लेनी शुरू करेंगे और कार्रवाई करेंगे।